हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज कोई आर्ट की वीडियो नहीं है, आज एक ब्लॉग है। बिकॉज आपको पता है ब्लॉग कब बनाना चाहिए, मैं जाता अपने गांव अपने विलेज। तो मैं तैयार शेयर पूरे हो गए, बस अब जाना है। गाड़ी का इंतजार है, गाड़ी आती है तभी चलते। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपने गांव। तो गाइस ये नेक्स्ट डे है, उस दिन हम लोग मतलब कल हम लोग पहुँच चुके थे, तो अब नेक्स्ट डे है। तो सुबह सुबह हम लोग उठ गए हैं, अभी जाने हैं तैयार शहर होकर, फिर जाने नानी घर, वहाँ जाते हैं। फिर ऑब्वियसली पता है गांव आता हूँ तो मैं कहाँ जाता हूँ, बागों में। फिर थोड़ी देर बाद दोपहर तक जाएंगे बाग वगैरह में। फिर ओहो शहीद नहीं रुको, भूत आता है, भूत होता है वहाँ पर, वहाँ भूत होता है। तो गाइस वहीं पर हम लोग जाएंगे। और इस बार मैं पेंट सब वगैरह अपना सब कुछ आर्ट का सामान लेकर आऊँ। मैंने सोचा कि वहाँ जाके ना बागों के पीछे बीच में बैठ के मज़े से पेंट करेंगे, कुछ आर्ट बनाएंगे, कुछ पेंटिंग मज़े ही करेंगे। तो अभी हम लोग वहाँ जाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो गाइस एज़ यूजुअल हम लोग वापस आ चुके हैं अपने ठिकाने पर काफ़ी अर्से के बाद। मतलब पिछली बार जब मैं आया था तो मैंने मतलब व्लॉग श्लॉग नहीं बनाया था, मैं आया था लेकिन तब शादियाँ थी ना, तो मोबाइल भी मैं नहीं लेकर आया था। तो अब हम लोग आ चुके हैं और अब है सर्दियाँ। आई थिंक सर्दियों में वो साग टाइप का होता है ना, वो येलो फूल वे मुझे, ये देखो ये रे। लेकिन यहाँ तो अभी कम कम है, वहाँ कभी कभी होता है ना बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर। देन अभी जो गाइस जो मेरा पेंटिंग का सामान है ना, वो जहाँ से अभी हम लोग आए हैं वहीं पर पड़ा हुआ है, वहाँ घर पर ताला लगा हुआ है। तो अभी फिर हम लोग जाएंगे, थोड़ी देर बाद जाएंगे लेकर आएंगे, फिर बैठ के बाग वगैरह बैठ के बाग बीच में बैठ के बनाएंगे, बहुत मज़ा आएगा गाइस कसम से। अभी तो हम ऐसे घूमने पर आ रहे हैं, मैं भी देखूँगा सर्दियों में, सर्दियों में माहौल कैसा होता है। मुड़ू भी कैसे यार, नीचे कीचड़ है ऊपर से फिर ओए। मैं वैसे सर्दियों में बहुत कम आया था बागों में। ये देखो गाइस खुली हुई है भाई, ये बंद है ना, वो कितनी माचल मोटी। तो अभी हम जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं एज़ यूजुअल। बस मेरे पास कोई काम ही नहीं हो रहा है, यहाँ फिर के ना धूप में बंदा खड़ा हो जाता है। अब कहाँ जाऊँ यहाँ, नीचे चलते हैं। ठीक है, यहाँ जो सुकून होता है ना कसम से, दिल करता है कि बंदा सारा दिन यहीं बैठा रहे, सारा दिन है ना मुस्तफ़ा। ये देखो गाइस मैं अपने साथ बॉडीगार्ड लेकर आता हूँ हमेशा, आपको पता है जब भी मैं आता हूँ ना गाँव मतलब ब्लॉग बनाने के लिए, ये या वो दूसरा होता है। आज उसको तो नखरे हुए मैं, तो इसलिए मैंने कहा जा तू, आज इसको लेकर आऊँ। हमेशा किसी ना किसी एक बंदे को लेकर, बॉडीगार्ड को लेकर आता हूँ अपने साथ। वही इलाका जो कि आपने मेरे ब्लॉग में हज़ारों दफ़ा देखा होगा। अब चलते हैं इस बात, पता ये क्या है मैं इसको बता, क्योंकि सारे कज़न तो हमारे यहाँ पर हैं नहीं, सारे वो हैं कराची। ओ बच्चा बच के इसलिए मैं अकेला होता हूँ ना, तो मैं इसी को ले आता हूँ छोटा है। ये हमारा कज़न है, सबसे छोटा कज़न हमारा, ये सब हमारी खाला का बेटा, छोटी छोटी खाला का बेटा। अब हम लोग जा रहे हैं गाइस, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं, फिर वहाँ जाके मिलते हैं। अभी तो पता नहीं कहाँ डोल रहे हैं, घर पहुँचते हैं या कहीं बाग में कहीं, फिर से एक्सट्रीम जगह पर ना चले जाएँ, यहाँ पानी है, फिर वहाँ जाके आपसे मिलते हैं। बाय बाय। यार ये रास्ता चेक करो गाइस, मतलब ग्रीनरी और ये कच्चा रास्ता और यहाँ भी ग्रीनरी, मतलब कसम से मुझे इतना अच्छा लगता है ना, इतनी खूबसूरती। ये तो यहीं पर रहता है, इन लोगों क्या, ये लोग तो सारा दिन, हम लोग सीखते हैं ऐसी चीज़ों के लिए। बहुत प्यारा लगता है गाइस, मतलब दूर दूर तक, मतलब इतनी खामोशी ना, इतनी खामोशी कसम से। बस ये देखो अब चलते हैं, देखते हैं कहाँ जाके पहुँचते, वहाँ जाके आप मिलेंगे। गाइस हम पहुँच चुके हैं इस नवाबजादे के बाग में, अब चलते हैं गाइस। इनका बाग कसम से गाइस इतना अच्छा है ना, ये ऐसे बड़े बड़े दरख्त होते हैं ना जिसमें बंदा बैठ के आराम से पूरा एक घर बना ले, इतना मतलब साया होता है ना वो सबसे मेन तो ये वाला फूल, ऐसे गोल ऐसे करके ना फूल नीचे बंदा बैठ, बहुत मज़ा आता है। जब हम लोग छोटे होते थे ना तब हम लोग इस दरख्त के जो है ना वो जो पीछे वाला, ऐसे पीछे वाला ये वाला, इसकी जो वो होती हैं शाखें तने जो भी कहो वहाँ बैठते थे। अब तो ये थोड़ा बूढ़ा हो गया तो अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हमारा वेट, वो बूढ़ा हो गया और हम भी बड़े हो चुके हैं, वही कोई तो है यहाँ पर वो तो ऐसे। और यहाँ पर एक ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये जो कि आपने बहुत दफ़ा देखा है। अभी यहाँ बैठेंगे थोड़ा सा सुकून लेंगे, सुकून क्योंकि आज छुट्टियाँ हो चुकी हैं, मज़े लेने के लिए आए हैं, थोड़ा सुकून करेंगे बैठेंगे। तुम यहीं देन और हाँ वो बेर होता ना बेर, वो भी आए हुए हैं, उसका मुझे दरख्त तो दिखा मुझसे कहाँ है। ये देखो गाइस तोड़ें, लेकिन यहाँ गाइस क्या होते वो होते हैं क्या कांटे होते हैं, कांटे इधर इसके दरख्त में। चलते हैं
आपको दिखाता हूँ मैं कि बेर कैसे टोड़े जाते हैं। मुझे तो टोड़ने नहीं आते, ये टोड़ेगा और पके पके खाएंगे, मज़ा आएगा। मुझे बहुत पसंद है मीठे मीठे होना, लेकिन अगर जो कच्चे होते हैं जो कड़वे कड़वे से होते हैं वो नहीं, फुल मीठे हों फुल, फिर मज़ा आता है। ये दरख्त चेक करो गाइस कितना मतलब वो है, घना है अंदर इसके बंदा, ये चेक करो अंदर फुल खाली होगा ये, है ना। अगर इसके अंदर जाके हम लोग व्लॉग बनाएंगे ऐसे बस वीडियो है। ये देखो गाइस, ये देखो ये सारे भी कच्चे कच्चे नज़र आ रहे हैं, ये देखो कच्चे हैं ये सारे, वो मतलब जो सारे कच्चे हैं यार। ये देखो गाइस इसके अंदर चेक करो, वो और ना वो अंदर से देखो ये फुल मतलब ऐसे कमरा बन गया है, फुल कवर हुआ पड़ा है। ये देखो ये सारे कच्चे बेर अभी ये खाने के लायक नहीं है मुस्तफ़ा भी सारे, जो फुल सर्दी होते ना मतलब जनवरी या फरवरी में तब वो होते हैं मतलब खाने के लायक, अभी तो कच्चे हैं। ये देखो ये मुस्तफ़ा ये वाला मोटा है, ये भी कच्चा ही है लेकिन, है ना। नहीं पटले खा तो सी मीठा हो ना भाई साहब, मर मर गए जहर वहर होगा ना, धोया ना कुछ। ये देखिए धोते खाना भाई, धोते हैं गाइस फिर खा के चेक करते कच्चा है पक्का है, फिर अगर ये ऐसा ही बना फिर और भी लेंगे। अभी जा रहे हैं हमने धोने के लिए इसको, यार यहाँ तो पानी भी है। मेरे पास दिल क्या करता, दिल करता है यहाँ पर एक बागों के बीच में ना बिल्कुल मतलब। ये देखो हमने ये धोया है और ये निकला कीड़े वाला, ये देखो खा के ना, ये देखो खाने से पहले आपको करना है चक, मतलब एक आपने चक मार के ना बाइट लेकर उसको तोड़ देना, फिर देखने के कीड़े वाला नहीं है, वेस्ट बर्बाद, ये बर्बाद हो गया, कीड़े वाला था गाइस मैंने खाया भी नहीं, मैंने बस धोया और यूँ किया तो देखा तो कीड़ा था। मैं इसको दे रहा हूँ, तू जा 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 मुस्तफ़ा, अच्छी अच्छी दौड़ गई, मैं यहाँ बैठ के प्लीज। और ये तो सर्दियों में नहीं भाई, यहाँ कोई नहीं जैसे सर्दियों में मरे गए हम लोग, मैं बैठूँगा ऐसा कून से थोड़ा, मैं पता क्या करूँ, मैं कह रहा हूँ यहीं पर आऊँ मतलब जब शाम को दोपहर को पेंट का सामान लेकर ना यहीं पर मैं पेंट करूँ, मतलब ये जो सारा जो सीनरी ना देख रहे हो आप लोग कितनी खूबसूरत है, या तो ये या तो वो जो हमने जो रास्ता जो मैंने दिखाया जैसे मंगाते, या तो वो या मतलब कहीं ऊँची जगह पर जाके ना वहाँ बैठ के ऐसे फूल करें, या यहीं पर देखते हैं गाइस, बट होप के अच्छा हो। अभी तो फिलहाल बैठा हूँ मैं, सुकून ले रहा हूँ गाइस, बहुत मज़ा आता है, बहुत सुकून यार कसम से, ऊपर सर्दियाँ और ऊपर धूप भी निकली हुई है, बंदा धूप भी अपना कर ले ले ले। हाँ अच्छे ना, बस छोड़ दूँ, छोड़ दे बस, हम थोड़ी देर बाद घर जाएंगे गाइस, फिर इसके बाद मतलब थोड़ा बैठेंगे खाने से ना खाएंगे वो सब कुछ करने के बाद, फिर हम जाएंगे वहीं पर पेंट वगैरह अपना सारा आर्ट का सामान लेकर आऊँगा, फिर आके यहाँ आऊँगा। हाँ जहाँ पर हम गए थे कुत्ते कुछ पॉट पे हैं उधर ही गेट पकड़े होंगे गाइस। अगर आपने बोला व्लॉग नहीं देखा ना हमारा, हमारा व्लॉग था बोला एडवेंचर इन माय विलेज, ये मैंने तीन चार महीने पहले डाला था, वो गाइस जरूर देखना, इतना मतलब एडवेंचर कितने कसम से, हम पता नहीं कहाँ दूर गए थे वो फुल एंड पे मतलब समझो कि दुनिया के एंड पे चले गए थे हम लोग, पूरा एक डेढ़ घंटा दूर गए थे अपने घर से और बहुत मज़ा आया था गाइस। बस अब मैं व्लॉग बंद करता हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं मतलब थोड़ा बैठते हैं यहाँ पर मज़ा करते हैं फिर चलते हैं, तो पिक्चर बना लेते हैं फिर हम जाएंगे घर, वहाँ के रेस्ट करेंगे बैठेंगे थोड़ा मतलब मज़े शजे करेंगे, ठीक है ना। गाइस चावल आ चुके हैं, ये देखो गाइस, ये देखो क्या कर रहे बेटे आप नाम बताओ, इसका आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, ये कौन है, क्या खा रहे हो तुम लोग, मुझे नहीं खिलाओगे गाइस, चलो मैं भी खाता हूँ फिर आपसे मिलता, बाय। तो गाइस खाना वाना खा लिया सब कुछ हो गया, आपने देखे चावल बहुत मज़े के देखा सब कुछ हो गया, अब हम मतलब पेंट वगैरह मैंने को पकड़ा दिया है, सारा जो सामग्री थी सब कुछ हम ले आए वहीं से, अब जा रहे हैं हम लोग बनाने के लिए, ठीक है ना गाइस। जैसे ही कोई बंदा आता ना मैं व्लॉग बंद कर दूँ, पता नहीं मेरे को क्या, मेरे को शर्म आती है। अच्छा अभी जा रहे हैं हम पेंट मतलब वो इसके बाद मुझे हम सुबह गए थे, अब वहाँ जाते हैं बैठू कोई अच्छा सा स्पॉट देखो जिसको मैंने अपने मतलब स्केच बुक में छोटी डायरी में मुझे बनाना होगा, ठीक है ना, उसको देख के फिर उसको बनाएंगे, तो अभी जाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी मेन डेस्टिनेशन पर, अब देखते हैं कि कहाँ बैठना है मुझे और क्या चीज़ बनानी है, ठीक है ना, मतलब इसमें से काफ़ी सीन है, दरख्त वाले बना सकता हूँ, लैंडस्केप बना सकता हूँ मतलब इस तरह के बना सकता हूँ, और फुल जो बिल्कुल प्लेन लैंड होती है वैसी बना सकता हूँ, देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। अभी जा रहा हूँ मैं
बैठते हैं जाके सुकून से थोड़ा रेस्ट वो थोड़ा करता, क्योंकि काफ़ी दूर है ना यार, ये थक जाते हैं बंदा चलते चलते बंदा थक जाए कसम से। मैं कह रहा हूँ यार ये चीज़ बनाऊँगी जो ये है ना, ये 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 वो ज़्यादा मज़ा आएगा ठीक है बनाने में। हाँ हाउस वाओ चले इसके पास गाइस, घोड़ा आया, मेरे को घोड़े कसम से इतने पसंद है, बहुत मेरे को घोड़े पसंद है, वो देखो ब्लैक कलर का वो रहा। अच्छा चलते चलते हमने सुबह आए थे गाइस, आपने आपने देखा था वहाँ नहीं था, खुला हुआ ये खुला हुआ है, इन लोगों को पता भी चलेगा ये नर मानता है। वाह भाई मुझे तो पता, दूर दूर से देखो बता देते हैं गाइस कितना प्यारा है माशाल्लाह। मुझे एक ऐसा था, मुझे ना जानवर में घोड़ा बहुत पसंद है, इतना मुझे घोड़ा पसंद है ना घोड़ा, और परिंदों में तोते, तोते वही बड़े वाले तोते मकाओ तोते। अब हमें यहाँ से नहीं लगता, हमें जाना पड़ेगा ऊपर से, चलो चलते हैं यार, यहाँ से सांप वगैरह हो सकते हैं ना इधर से। चलो गाइस चल रहे हैं हम लोग, मेरी शक्ल आ रही है ना इधर, कितना प्यारा यार। मैं जाऊँगा, मैं पहले पहले उसको हाथ लगाऊंगा, अभी मेरा प्लान था कि बैठेंगे लेकिन पहले उसको देखें, मैं पहले पहले उसको हाथ लगा के चलते हैं उसके पास, नहीं मिलने वाली यार। आओ आओ मुझसे फायदे आया या इसको हाथ लगाओ, मिट्टू मिट्टू तोता, इसको क्या बोल बच्चे मिट्टू तोता कह रहा हूँ। आओ आओ गाइस नहीं मार रहा ये, ओह मैं इसका हाथ लगा लिया गाइस, ओ वाओ यार ये तो मार नहीं रहा, ओए भाई ये अपनी नासे फुला रहा है, टांगे ऊपर कर रहा है, हाथ लगा लिया गाइस, मिशन कंप्लीटेड हो गया, बाय बाय फिर मिलेंगे, बाय बाय। चलो गाइस चलते, जो अपने काम करना है वही काम करते हैं, मेन बिजनेस ठीक है गाइस, अगर रात हो गई अंधेरा हो गया फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सो गाइस मैंने सेट कर लिया है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं, मतलब जैसे जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ब्लू ब्लू आसमान है, हट जा मुस्तफा बोलो हट गया, ब्लू आसमान है और ऊपर से सूरज की किरणें आ रही हैं, तो हम बनाते हैं कौन है, पहले पहले तो हम इसको ना साफ करेंगे यार, कहाँ पे जुआन आ रही है गाइस, डर लग रहा तेरे को, इसको मैंने कर दिया है साफ ब्रश को ना अपने, अपने प्याले से डालते हैं इसमें, भाई इसको अंकल पानी भरने के लिए आया यहाँ पर, ओहो अपने कपड़े बचाए क्योंकि यार कपड़ों पे एक दफ़ा कलर लग गया ना वो चाह के भी नहीं उतरता, चाह के भी, ये देखो पूरा सूखा हुआ है और इतना सेटिस्फाई लगता ना, ये देखो रबड़ बन जाता है ये, तूने मेरे सामान ना चाल रखना, हाँ ये पकड़ बैठो, तू बैठ जाते बैठ जाते यार, कैमरा मैं तो ना सेट कर लूँ, पहले मैं आपको दिखाऊँ कि मैं बना क्या, ये सारा सामान बना रहा हूँ ये, मतलब फुल यही नहीं थोड़ा, मैं अपना इमेजिनेशन भी करूँगा थोड़ा ये भी ठीक है, ये मैं बना रहा हूँ थोड़ा, कैमरा मैंने सेट सही कर लूँ ताकि मैं भी नजर आऊँ, मेरी शक्ल नहीं नज़र आ रही, अब सही है परफेक्ट है ना ठीक है। अब ले रहे हैं हम वाइट एक्रेलिक पेंट, सूख के पापड़ी बन गया है चुना चाट, इतना मज़ा आता है इसको करने में, ये देखो गाइस कहाँ है, ये देखो ये रहा ब्लू, मैंने ब्लू थोड़ा कम डाला क्योंकि ये इतना ज़्यादा डार्क नहीं करना हमें, आई एम नॉट ये आसमां, वो अंकल क्या कहाँ गया, नीचे तो नहीं क्या गाइस, मैं पता कैसे बनाऊँ, ये देखो मैं टेप यूज़ नहीं कर रहा बिकॉज ऐसे होता ना इससे ना एक अलग मज़ा आता है, मैं टेप नहीं यूज़ कर रहा, मतलब जो शार्प वो बिल्कुल एजेस होती ना
अभी मैं नहीं यूज़ करा, मैंने ना ऐसे करना क्योंकि मैंने काफ़ी जगह देखा है वो यार इतना अच्छा लगता है ना कसम से, उसका अलग ही मज़ा होता है, उसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है यार। गाइस पूरी बन जाए फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस फाइनली कंप्लीट हो चुका है आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब ज़्यादा टाइम ही लगा। देखो गाइस कैसा लग रहा है, मुझसे हाथ हटा, अच्छा लग रहा है। मतलब मैंने फुल वैसा नहीं बनाया क्योंकि गाइस मैंने मुझे मतलब इतना नहीं, मैंने अपनी मजे से नहीं बताया, इस काफ़ी अच्छा बना और मुझे इतना सुकून मिला ना इसको बनाते हुए यार। यहाँ पर कैसा लग रहा है, कितना वैसे देखो कितना बड़ा लग रहा है यार, ये बदतमीज डराते हैं मेरे को। ये देखो गाइस बहुत प्यारा लग रहा है, ब्यूटीफुल। आप इसको 10 में से रेट दो कितना है। तो गाइस हो गया, अब चलते हैं घर, घर जाके। तो गाइस अब जा रहे हैं अपने घर की तरफ। गाइस मतलब इतना परफेक्ट तो नहीं है लेकिन गाइस मुझे तो काफ़ी मतलब सही लगा है, ज़्यादा इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है, नॉर्मल रहा है। मैंने ज़्यादा डिटेल ही नहीं दिखी क्या गाइस, काफ़ी टाइम लगता है वो लोग ये क्या किया है। ये देखो गाइस वो भाग गया, इन लोगों ने तंग किया, मत जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो चलें। फिर मैंने बस मैंने बोला जितना ये है ना जो मुस्तफ़ा ये बहुत ही कंजूस है, वो रहा वो जा रहा है मुस्तफ़ा। तो गाइस चलते हैं घर पहुंच के तो मिलता हूँ। मेरी ना ये देखो चप्पल यार फुल ख़राब हो गई है, बिल्कुल कीचड़ टाइप का हो गया, फुल पसीने पसीने से। अब चलते हैं घर जाके मिलते हैं, बाय। तो गाइस घर पहुंच चुके हैं, वो रहा घर, जाते हैं और ये कहना में खा के फिर देखते हैं क्या करते हैं, फिर जाते हैं कुछ करते हैं या ब्लॉग एंड करते हैं जो भी होता है, जब घर जाके पता चलता है। तो गाइस फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं गाइस, अब मतलब खाना वाना खाएंगे बस, बहुत तक गाइस। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।